इस वक्त हम जिला हॉस्पिटल में हैं और हम लगातार छात्रों की खबर पर जो है वो बने हुए हैं। छात्रों का जो नाइदगाम इलाका है वहाँ पर आपसे कुछ देर पहले एनकाउंटर शुरू हुआ था, जो एनकाउंटर अभी भी जो है वो जारी है और सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त वहाँ पर चल रहा है। लेकिन वहाँ से जो है वो एक बुरी खबर ये आ रही है कि हमारे 3 जवान जो है वो इस एनकाउंटर में ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 1 जवान जो है वो शहीद हुआ है। इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि 1 जवान जो है वो अभी मिसिंग है। मैं बता दूँ कि ये बात दोपहर एनकाउंटर जो है वो किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर के से दूर जो इलाका नाइदगाम का एक जंगली इलाका है वहाँ पर जो है ये एनकाउंटर हुआ है, जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन कर रही थी। जो मिलिटेंट वहाँ पर छुपे थे उन्होंने उनको जो है वो फायरिंग की, जिसमें आप देख सकते हैं पीछे से हॉस्पिटल से हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर आर्मी ने जो है वो हॉस्पिटल को पूरे घेरे में लेके रखा हुआ है और यहाँ पर इंजर्ड आर्मी जवानों को जो है वो लाया गया है, जबकि 1 आर्मी जवान जो इंजर्ड है उसको एयरलिफ्ट करके कमांड हॉस्पिटल जो है वो लिया गया है। मैं बता दूँ कि इस वक्त हम जिला हॉस्पिटल किश्तवाड़ में है, यहाँ पर आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने पूरे इलाके को जो है वो घेरे में लेकर रखा हुआ है और पूरे किश्तवाड़ ज़िले में इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और एडजॉइनिंग डोडा ज़िले में भी जो है वो सिक्योरिटी का जो है वो एक अलर्ट है, क्योंकि कल वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक जनसभा से जो है वो खिताब करेंगे, क्योंकि 18 तारीख को जो किश्तवाड़ ज़िला है और उसके साथ साथ जो यहाँ पर चिनाब बेल्ट जिसको डोडा किश्तवाड़ और रामबन कहा जाता है वहाँ की 8 सीटों पर जो है वो पहले चरण में जो है वो मतदान होने जा रहा है। ये जो हमला आज एनकाउंटर हुआ है ये 11 अगस्त 2024 के बाद दूसरा बड़ा हमला है सिक्योरिटी फोर्सेस पर। इससे पहले 11 अगस्त को जो पडियारना में है वहाँ पर आतंकियों ने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है वो अटैक किया था, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर इस वक्त जो ये आर्मी के जवान यहाँ पर लाए गए थे उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। आपने देखा कि जो यहाँ पर आर्मी के जवान लाए गए थे उनको जो है वो यहाँ से शिफ्ट किया गया है और अब उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद जो है वो अब उधमपुर आर्मी कमांड हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है इनको शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे मैं बता रहा था कि 11 अगस्त 2024 के बाद ये दूसरा बड़ा हमला है। अभी क्योंकि आधिकारिक तौर पर जो है वो काफ़ी डिटेलें जो है वो नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा जो हमारे पास सोर्सेज से डिटेल्स आ रही है। सोर्सेज के मुताबिक इस वक्त एक आर्मी का जवान जो है उसका पार्थिव शरीर जो है इस वक्त छात्रों में जो है वो रखा गया हुआ है और 1 आर्मी का जवान जो है वो अभी लापता है, जबकि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि 3 आर्मी के जवान जो है इसमें जख्मी हुए हैं जिनको गोलियां जो है वो लगी हुई है। यहाँ से री एनफोर्समेंट जो है वो भेजी गई, जो हमारे ऑफिशियल सोर्सेज है उन्होंने सिर्फ एनकाउंटर की अभी तक जो है वो कन्फर्मेशन जो है वो दी है, लेकिन बाकी कन्फर्मेशन जो है वो उनकी तरफ से नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर हम हॉस्पिटल में मौजूद है और हमें हॉस्पिटल से जो डाटा मिल रहा है और डिटेल्स मिल रही है जो यहाँ पर जख्मियों को लाया गया है उसके मुताबिक 3 लोग जो है वो जख्मी है, 1 को एयरलिफ्ट किया गया है, 2 को जो है वो अब यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है जिनको हॉस्पिटल में जो प्राथमिक उपचार होता है जिसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कहते हैं उसको दिए जाने के बाद जो है वो अब उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया है और वहाँ पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। अभी जो है वो फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से रुकी हुई है, लेकिन इतना अभी तक ये नहीं पता है कि जो आतंकवादी है उनका नंबर कितना है, वो 2 है, 4 है, कितने हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उनके बारे में नंबर का भी जो है वो पता नहीं है। और पहले इनिशियल इन्फॉर्मेशन ये आई थी कि जो आतंकी है वहां पर एक डॉग जो खाली डॉग पड़ा हुआ था वहां पर जो है वो बताया जा रहा था शायद उन्होंने शेल्टर लिया हुआ था, जब उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को ऊपर आते हुए देखा उन्होंने जो है वो उन पर जो है वो वहां से फायरिंग की। मैं ये भी बता दूं कि नाइदगाम का इलाका 1990 और 2000 के दशक में एक हार्ट टेररिज्म का बेड था, वहां पर काफी जो बड़े बड़े आतंकी थे वो वहां पर जो है वो सक्रिय थे। उसके अलावा पासरकूट का इलाका है, उसके अलावा सिगदी का इलाका है, उसके अलावा कुछाल का इलाका है। मैंने खुद कुछाल और इन एरियाज में कई एनकाउंटर्स जो है वो कवर किए हैं और ये उस वक्त हार्ट बेड था, लेकिन पिछले 10-12 सालों से ये इलाके जो है वो सारे आतंकी यू से जो है वो मुक्त
स्थित है। और अगर हम देखें जो आतंकवाद यहाँ पर था वो दच्छन और मड़वा और का जो इलाका है वहीं तक जो है वो महदूद था, जिसमें जहांगीर सुरूड़ी और रियाज जैसे आतंकी जो है वो सक्रिय थे। लेकिन अब जो ये ट्रूप्स जो ये ग्रुप्स आए हैं, जो मिलिटेंट्स के ग्रुप्स आए हैं, ये फॉरनर्स हैं और इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये अफगान ट्रेंड है। पाकिस्तान की तरफ से इनको जो है वो आधुनिक हथियार दिए गए जिनमें M4 अमेरिकन राइफल्स भी जो है वो शामिल है। अभी हम इस खबर पर बने हुए हैं, हम आपको आगे चलकर ये भी बताएंगे कि इसमें ऑफिशियल डिटेल्स जैसे ही जो है वो सामने आएंगी, पब्लिक में आएंगी, उस वक्त जो है वो हम इस पर आपको और अपडेट देते रहेंगे। लेकिन अभी की यही खबर है, हम जिला हॉस्पिटल किश्तवाड़ में हैं, यहाँ पर कुछ जख्मी आर्मी जवान हैं उनको लाया गया था। अब उनको जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद जो है वो उनको यहाँ से जो है वो आर्मी कमांड हॉस्पिटल उधमपुर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहे, आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।